आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। पहली खबर चमोली से है, जहां पर सीमांत विकास खंड जोशी मठ में औली रोपवे के 27 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, जबकि इससे पहले जनपद में एक भी कोरोना का सक्रिय मामला नहीं था। इस दौरान उपजिलाधिकारी ने बताया कि सभी 27 कोविड पॉजिटिव लोगों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और मेडिकल टीम सभी का इलाज कर रही है। वहीं देहरादून में आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर आ चुका है और अब नगर निगम ने बैनर, पोस्टर, होर्डिंग को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान नगर आयुक्त और नोडल अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड में 14 फरवरी से चुनाव होना है, जिसके चलते भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से शहर के सभी बैनर, पोस्टर को हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। जबकि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है, जिसका पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसमें जो आचार संहिता कल लगी है, उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि प्रथम 24 घंटे में सभी जो सरकारी कार्यालय है उनको प्रचार सामग्री से मुक्त किया जाए यदि कहीं हो, और अगले 48 घंटे में यानी आचार संहिता से अगले 48 घंटे के अंदर हमें जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको जो भी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री इत्यादि अनाधिकृत रूप से लगाई गई है वो सब हटवानी है, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट इत्यादि सभी। तो हमारी प्रत्येक विधानसभा में टीमें काम कर रही हैं और नगर निगम के स्तर से इसमें यथासंभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये सभी जो अनऑथराइज्ड प्रचार सामग्री जो लगाई गई है वो सारी हटा दी जाए और उसके बाद आचार संहिता का एक। वहीं थराली में पिछले दो दिनों से क्षेत्र में लगातार हो रही झमाझम बारिश से जहां एक तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं दूसरी तरफ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का पर्यटक जो है लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें कि लोग आग जलाकर कहीं ना कहीं ठंड को दूर भगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये सुंदर बर्फ गिरी है, इसका हमारे जो पर्यटक आए थे काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं और बेकनताल और ब्रह्मताल का दृश्य कुछ और ही है। लोग काफी 60 से 70 लोग अभी बेकनताल और ब्रह्मताल का एंजॉय कर रहे हैं और हमारी जो पुरानी संस्कृति चौलाए के लड्डू बनाना और भटों के डुबके बनाना सब लोग उसमें जुड़े हैं। पैतृक चीज़ें जो थी वो याद आने लगी लोगों को और हल्की सी धूप फिर आने लगी है। लगभग सुंदर दृश्य, सुबह से काफ़ी 3-4 बजे से बर्फबारी शुरू है यहाँ पे बेगनताल और ब्रह्मताल लोहाजंग कैंप में। काफ़ी टूरिस्ट प्रफुल्लित हो रहे हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़ का। अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के हर बूथ में 4 बूथ कर्मियों की तैनाती की जाएगी, साथ ही उन्होंने कहा कि बूथ कर्मियों का डाटा भी तैयार किया जाएगा। आगे जिलाधिकारी ने बताया कि डाटा के आधार पर कर्मियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा। आज निर्वाचन के दौरान जो कार्मिक कार्य करेंगे उनका फर्स्ट रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया को संपन्न किया गया। हमारे 944 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पर हम लोग जो हैं 4 कार्मिकों का ड्यूटी तैनात करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रथम अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो उनका डेटा बेस तैयार कर लिया गया है, संबंधित डेटा बेस तैयार करने के उपरांत उनको नियुक्ति आदेश जारी भी कर दिया जाएगा। इसके उपरांत जो है उनका ट्रेनिंग जो हम अरेंज कर रहे हैं उसका सेशंस को अरेंज किया जाएगा और ट्रेनिंग के प्रथम सत्र में जो पीठासीन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी प्रथम है उनको हम ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करेंगे और उसके उपरांत जो है निर्वाचन प्रक्रिया का सभी जानकारियों को साझा किया जाएगा। अगली खबर मसूरी से है, जहां पर लाल टिब्बा क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी से स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ पर्यटकों के चेहरों पर भी खुशी देखने को मिली। जैसे ही लोगों ने को बर्फबारी का पता चला, पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं मसूरी में पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात की व्यवस्था को दुरुस्त किया।
देश के 5 राज्यों में चुनावी घोषणा हो चुकी है और चुनावी घोषणा के बाद से देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की घोषणा के बाद से आबकारी विभाग में करोड़ों का घोटाला किया गया है, इसलिए मामले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई और आदेशों को निरस्त करने की मांग की गई है। साथ ही हरीश रावत ने संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। आप भी सुनिए हरीश रावत का ये बयान। जिलों के अंदर आबकारी के ड्यूज को कहा गया है, जिले के अधिकारियों को कहा गया है कि आप जो है अलग अलग दुकानों को कहिए कि कितनी कितनी मदिरा वो भाजपा के उम्मीदवारों को देंगे और आबकारी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी, मतलब विभाग के माध्यम से पहुंचाएगी और हम पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को और इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स को इस विषय में सावधान करना चाहते हैं कि यदि आबकारी विभाग ही जिसको इसको रोकना चाहिए वही कैरियर का काम करेगा तो फिर ये तो मदिरामय हो जाएगा सारा उत्तराखंड का चुनाव। जो तो उत्तराखंड के चुनाव को मदिरामय बनाने की जो वही रुड़की में विश्व प्रसिद्ध दरगाह कलियर शरीफ से खादिम हैदर बाबा के साथ सैकड़ों लोग झंडा लेकर निकले। बड़ी संख्या में लोग कलियर शरीफ से अजमेर शरीफ के लिए पैदल निकले। हैदर बाबा अपने सहयोगियों के साथ साबिर पाक की दरगाह से झंडा लेकर रवाना हो गए। ये झंडा 25 दिन में अजमेर शरीफ पहुंच जाएगा और साबिर पाक ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चढ़ाया जाएगा और गरीब नवाज के तमाम अनुयायी और मंगल दरगाह पर झंडा पेश करते हुए अपने देश और प्रदेश की तरक्की की दुआ करेंगे। इतना ही नहीं, कोरोना जैसी महामारी से बचाव और उस बीमारी के खात्मे की भी दुआ की जाएगी। हर साल अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज के लिए ना जी, ये लगभग वैसे जैसे कोरोना गाइडलाइन की पालन करते हुए ये यहाँ से दिल्ली निकलेंगे, दिल्ली से अजमेर शरीफ निकलेंगे। कितने लोग हैं लगभग? लगभग वैसे तो सैकड़ों की तादाद में जाते हैं लेकिन अब संख्या कम है। कितने दिन में अजमेर शरीफ? ये लगभग 22-25 दिन के लगभग अजमेर शरीफ पहुँच जाती है छड़ी। ये जो कलियर के लोग हैं ये यहाँ तक छोड़ने आते हैं इनको कलियर शरीफ, पैदल ही जाएंगे। ये पैदल यात्रा है अजमेर शरीफ। वही चमोली के थराली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने एक और व्यक्ति को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे की ओर से जनपद में नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी अभियान के तहत ये सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 300 ग्राम अवैध चरस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वही पकड़े गए चरस की कीमत हजारों रुपए बताई जा रही है। अगली खबर सितारगंज से है जहां पर खटीमा रोड पर निजी स्कूल में बीते 7 दिसंबर को वैक्सीनेशन के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल के 155 बच्चों के सैंपल लिए थे जिनमें से 55 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश आर्य ने बताया कि सभी बच्चों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनसे भी बात चल रही है और जल्द ही कंटेनमेंट जोन भी बनाया जाएगा। तीन तारीख से 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं जिसमें हमारे अधिकांश जो सरकारी स्कूल हैं या सहायता प्राप्त हैं या निजी स्कूल हैं। तो उसी क्रम में 7 तारीख को GS कॉन्वेंट स्कूल सितारगंज में 352 बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए बुलाया गया था जिसमें लगभग 155 बच्चे पहुंचे थे और उन 155 बच्चों को सैंपलिंग भी की गई और उनका वैक्सीनेशन भी किया गया। उनकी जो सैंपलिंग की रिपोर्ट हमको कल दोपहर में प्राप्त हुई उस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 55 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी के क्रम में फिर हमारी टीमों के द्वारा उनको दवा वितरण की जा रही है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है और उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनकी ट्रेसिंग भी की जा रही है। आज भी हमारी टीम उसी क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और जो क्लोज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो कर रही है, दवाओं वितरण का कार्य कर रही है। साथ ही साथ भगौरा क्षेत्र में आज हम कंटेनमेंट जोन बनाने की भी कार्रवाई के संबंध में
श्रीमान उप जिलाधिकारी। वहीं बाजपुर में पुलिस ने 12 बोर के अवैध तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की गिरफ्तारी के बाद एक पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि शातिर युवक ने कुछ महीने पहले उनकी बेटी के साथ छेड़खानी भी की थी और छेड़खानी के मामले में वो जेल भी गया था। बाद में जमानत पर छूटने पर युवक फिर से उनके घर पहुंचा और तमंचे के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि लड़की से छेड़छाड़ के मामले में वो जेल जा चुका था, जमानत पर आया है और अब शातिर युवक पर जमानत की कैंसिलेशन के लिए कार्रवाई की जा रही है। ये वादी है राम दुलारे, इनका एक 6 महीने पहले इनकी जो नाबालिग पुत्री है उसके साथ पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें हमने एक अभियुक्त राहुल को जेल भेजा था पाजपुर थाने से ही। वर्तमान में वो अभियुक्त बाहर आया और इनके घर पर 12 बोर की ये तमंचा लेकर इनको डराने धमकाने का प्रयास किया और इस प्रयास में इन्होंने इनके बीच में आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद ये इसे स्वयं ही थाने पर पकड़ कर ले आए। इसके पास से 12 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। तमंचे सहित इसको हम आर्म्स एक्ट की धारा में इसको इसका चालान कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इसके जिस मामले में ये बेल पे बाहर आया है उसी मामले में इसकी बेल कैंसिलेशन की भी कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं बाजपुर में सीओ वंदना वर्मा ने अभियुक्तों को 1.5 लाख की अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सीओ वंदना वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन रोड पंजाबी ढाबे के पास घेराबंदी कर 21 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया। अवैध स्मैक की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं इनके कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया और शातिरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार बाजपुर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी रहा है और लंबे समय से हम लोग इस पर प्रयासरत रहे हैं। इसी के आग पर काम करते हुए ये मुखबिर की सूचना के आधार पर ये बाजपुर पुलिस ने टीम बनाकर 2 अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है, जिनके पास से 10-10 ग्राम स्मैक दोनों के पास से बरामद हुआ है। इनके पास से साथ में ही एक तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ है, जिसमें ये लोग जिसका उपयोग स्मैक को बेचने के लिए किया करते थे। बताया जा रहा है कि बरेली से ये लोग स्मैक लाते थे और यहाँ पर बेचते थे। पहले भी ये लोग ऐसा काम कर चुके हैं परंतु पहले ये कभी पकड़े नहीं गए हैं। फिलहाल इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इनके मोबाइल वगैरह भी कब्जे में लेकर हम लोग उसमें से CDR वगैरह के बेसिस पर एनालाइज कर रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोनी धार के पास लगातार पत्थर गिरने से इलाके में दहशत का माहौल है। पत्थर गिरने से जानमाल का भय भी बना हुआ है। पिछले दिनों से हो रही बारिश के बाद एक बार फिर गलोनी धार से मलबा व पत्थर गिरने का सिलसिला बना हुआ है, जिससे कभी भी जानमाल का खतरा हो सकता है। हालांकि लोक निर्माण विभाग की ओर से JCB मशीन लगाकर मलबा साफ किया जा रहा है, बावजूद इसके लगातार बड़े बड़े बोल्डर और मलबा पहाड़ी से लगातार गिर रहा है। बताते चले कि गलोनी धार में सड़क चौड़ीकरण के दौरान पहाड़ को काटा गया था, जिसके बाद से ये रास्ता अभी तक सही नहीं हो पाया है। वहीं कोरोना महामारी को ब्रेक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने अब जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है। फ्रंटलाइन वर्करों की ओर से सीनियर सिटीजन को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो चुकी है। हरिद्वार देहात में 6 वैक्सीन सेंटरों पर बूस्टर डोज दी जा रही है। पुलिसकर्मियों और हेल्थ वर्करों को सबसे पहले बूस्टर डोज लगाई जा रही है। इसके अलावा दूसरी डोज लेने से वंचित लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और बूस्टर डोज की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है इसे लेकर विभाग के जिला और तहसील स्तर के अधिकारियों की तरफ से लगातार क्षेत्रों में घूमकर जायजा भी लिया जा रहा है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रुड़की से भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। रुड़की नगर निगम के भाजपा के 14 पार्षदों ने सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बीते 2 दिन पहले नगर निगम में बोर्ड की बैठक संपन्न हुई थी। इसमें कुछ प्रस्ताव पास किए गए थे और प्रस्तावों को लेकर बार बार समस्या आ रही थी। वहीं अब भाजपा से 14 पार्षदों ने पार्टी को सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते हुए कहा गया कि हमारे जो प्रस्ताव नगर निगम के बोर्ड की बैठक में पास हुए हैं उन्हें निरस्त कर दिया गया, जिसके चलते पार्टी से सामूहिक इस्तीफा दिया गया है।
हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी तो हमारी बोर्ड की मीटिंग में 16 पार्षद जो भाजपा के थे उनके काम गिरा दिए गए, क्योंकि बोर्ड के 29 पार्षद भाजपा के थे, बहुमत में बोर्ड था, तो कुछ पार्षदों ने मिलकर कांग्रेस के और बसपा के साथ मिलकर अपने ही भाजपा के पार्षदों के काम गिरा दिए, तो इससे ही आहत होकर आज सब भाजपा की सदस्यता इस्तीफा दे रहे हैं। है 17, उसमें 2 निर्दलीय हैं, लेकिन हमने उन्हें भी भाजपा में शामिल करने के लिए हमने बिल्कुल उन्हें मना लिया था, वो शपथ लेने वाले थे कि शक्ति राणा जी भाजपा में आने के लिए तैयार थे। काला भाई भी भाजपा में आने के लिए तैयार है, हमने इन्हें सबको मना लिया कि भाई हम भाजपा का अपना बैंक बढ़ाएंगे, वोट बैंक बढ़ाएंगे, ठीक है जी। लेकिन क्या है कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारा बोर्ड होते हुए, भाजपा के पार्षदों का बोर्ड होते हुए 30-29 पार्षद भाजपा के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के पार्षद ही कांग्रेसियों के साथ मिलके और बसपाइयों के साथ मिलके बोर्ड में हमारे प्रस्ताव गिरा रहे हैं। जब जितने 16 पार्षद हैं इनके साथ हमारा जाने का रहता था पार्षद में भाजपा में। आप भी 16 में से ही हैं? जी, हम में 16 में ही हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ मैं, माइग्रांस से रेशमा पार्षद है, हमारे प्रतिनिधि में हूँ, लेकिन हम इनके साथ भाजपा में जाने का इरादा था मेरा। अच्छा। अब जब इन भाजपा वालों के काम नहीं होने के तो मेरा काम ही कैसे होगा। मेरा माइग्राम में 25 साल से अधिक समय हो गया वार्ड में काम करो, आज तक बिल्कुल गंदगी, इतनी गंदगी हो रही है बहुत ज़्यादा, ना तो कोई विधायक कोई काम करना आता है। पूरा बोर्ड हमारा बीजेपी का है, उसके बावजूद हमारे बीजेपी के पार्षदों के ही प्रस्ताव गिरे गए हैं, इससे हम बहुत आहत हैं। ना तो हमारे से कोई पार्टी कोई अधिकारी आला अधिकारी कोई सुन रहा है, हमने कई बार आगाह कराया लेकिन नहीं सुन रहा कोई किसी प्रकार की, इससे आहत होकर। अगली खबर चंपावत के सीमांत क्षेत्र टनकपुर से है, जहां पर हटाने को लेकर लंबे समय से परेशान रेलवे एक बार फिर से मायूस नजर आ रहा है। रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे सैकड़ों परिवारों के कच्चे पक्के मकानों पर इस वक्त रेलवे का बुलडोजर नहीं चल पाया। इस बार रेलवे की तैयारी और आचार संहिता लागू होने के कारण उम्मीदें लगाई जा रही थी कि रेलवे इस बार अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने में सफल रहेगा। बकायदा इसके लिए पुलिस पीएसी के साथ साथ रेलवे ने आरपीएफ और जीआरपी समेत अन्य स्टाफ मिलाकर 170 लोगों की टीम भी बना ली थी। जो रेलवे के अतिक्रमण को कहकर यहाँ पर तोड़ने की जो बात हो रही थी, तो आज हम लोग यहाँ पर पहुंचे, हम कल से प्रशासन के संपर्क में थे और आदरणीय विधायक कैलाश गेतुड़ी जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे और उनके द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया। चुनाव के समय इस तरीके का वातावरण तैयार करना और इन गरीबों का जब तक कोई एक समाधान नहीं हो पाता है, इसको हमने हमेशा से इस बात को उठाया है कि भाई इनका कोई समाधान कीजिए। रेलवे का विकास होना है, जलजीवी मार्ग बनना है, जलजी के लिए रोड जानी है, तो ये सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन किसी गरीबों को तबाह करके किसी गरीबों को बर्बाद करके ये नहीं होना चाहिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा एजेंडा रहा है, इस बात को हम चुनाव के बाद भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक उठाएंगे और निश्चित रूप से इन लोगों को न्याय दिलाएंगे और रेलवे के काम में भी कोई व्यवधान न पहुंचे और इन लोगों को भी कोई स्थायी समाधान हो जाए, ये हमारी मांग हमेशा से रही है। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।